गुड मॉर्निंग गाइस। और दोस्तों मैं ऊपर आया और यहाँ पे मुझे ये वाली चीज देखी, तो ये देख सकते हो यार, हमारे लिली ने सारे बेबी हैच कर दिए। वाओ यार, ये देखो यार। चल लिली इधर आ, आओ 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 आओ, चल इधर आ, लुक तुझे कुछ खाने के लिए लाता मैं। आजा लिली, आजा आजा, आओ आओ आओ, चल 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 चल, आओ आओ आओ। ये देखो यार कितने सारे बेबी थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल दोस्तों यहाँ पे है 12 बेबीज। तो कितने क्यूट है यार, सारे के सारे बेबीज यार सेम है यार। देखो ऐसा भी नहीं कि एक बेबी व्हाइट है, एक बेबी ब्लैक है, तो सारे के सारे बेबीज एक ही कलर के। एक ही कलर क्यों है, अभी मुझे बहुत सारे भाई पूछेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने रखे थे हमारे लिली के नीचे गिना फॉल के एक, मतलब वो स्पॉट वाली जो मुर्गी होती ना, उसके अंडे मैंने इसके नीचे रखे थे। आपको पता है यार हमारे लिली के सारे अंडे खराब हो चुके थे, मतलब अनफर्टाइल थे यार। इसी की वजह से हमें गिना फॉल के अंडे मैंने मेरे दोस्त के पास से लाए थे। और मतलब यार एक महीने पहले की बात है यार, आप पुराना वीडियो जाके देख सकते हो, तो मैंने गिना फॉल के एक लाए थे और वो सक्सेसफुली हैच भी हो गए और हमारे सारे एक्टिव है। देखो यहाँ यार कितने क्यूट है यार, वाओ। ये देखो सारे के सारे सेम है यार, और सारे बेबीज के जो पैर है ना ऑरेंज कलर में, देखो यार कितने क्यूट है, वाओ। तो मैंने ना इनके लिए अभी खाना डाल दिया इनका मॉर्निंग वाला। तो अभी हमें क्या करना है ना दोस्तों, वहाँ पे ना कुछ ऐसा कर देंगे कि हमारे लिली को थोड़ा बहुत नेचुरल सा फील हो, क्योंकि मैं इसको कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बाहर नहीं रखना चाहता मैं। बाहर कौवे या कोई शिकारी परिंदा हमारे लिली के बेबीज को उठाकर ले जा सकता है, तो भाई मैं इनको बाहर नहीं रखूंगा। थोड़े दिनों की बात है यार, हम हमारे इधर पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट इनको देंगे। मतलब यहाँ पे मेरा कुछ घास वगैरह डालने का प्लानिंग चल रहा है, तो ठीक है यहाँ पे हम कुछ घास वगैरह डाल के अच्छा सा इनके लिए एनवायरनमेंट बना देंगे, तो धीरे धीरे होगा भाई सब। वाओ यार अभी प्यारी से मॉर्निंग हो चुकी है और आज बारिश नहीं है, मतलब बारिश होकर चली गई है मॉर्निंग वाली, और अभी थोड़ा क्लाइमेट भी खुला हुआ है। आओ जाओ जाओ जाओ, सारे के सारे आ जाओ। तो मैं अभी हमारे चारों टर्टल्स को ना यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये यहाँ पे आराम से घूमेंगे और पानी में भी जाएंगे, और ऊपर से थोड़ी बहुत धूप भी आ रही है, धूप भी सेकेंगे। जाओ जाओ जाओ, उधर जाओ, उधर 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 एंजॉय करो, चलो चलो जाओ 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 जाओ। ये देखो यार ये अभी अभी हैप्पी रहेंगे यार, ये देखो कैसा जा रहा है। अभी ये क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी बहुत ना धूप आई है ना, धूप में आकर ऐसा बैठेंगे यार यहाँ पे अच्छे से आराम से, और वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भी है, पानी में भी जाएंगे आएंगे बाहर। तो दोस्तों ये मैंने चीज़ आज सुबह ही मैंने ऐड कर दी हमारे बजट के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे ना कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और बारिश से थोड़ा बहुत फवारा आता है ना, तो फवारा हमारे बजट को लग सकती थी, और बारिश का फवारा लगने की वजह से भाई हमारे जो बजट है वो बीमार पड़ सकते हैं। आपको पता है इनको बहुत जल्द सर्द वगैरह हो जाती है, और ये इनको डायरिया होने की वजह से ही मरते यार ये ज़्यादा, तो इसी की वजह से मैंने ये प्रोटेक्शन इनके लिए लगा दिया। और अभी हमारे सारे बजट भी हैप्पी है और फाइन है यार, इनका मॉर्निंग में वॉइस बहुत ही अच्छा आता है। चलो यार अभी मैं हमारे जो बेबी ऑस्कर से उनको भी उनका फूड दे रहा हूँ, चलो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, ये इनका मॉर्निंग वाला डाइट है। आजा 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 आजा, और सारे बेबी ऑस्कर हमारे एक्टिव है। मुझे बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई आप बेबी ऑस्कर से अपडेट ही नहीं देते, तो यार देख सकते हो हमारे ऑस्कर अभी जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े इनकी साइज भी बढ़ने लगी अभी, ये देखो यार, और ये अभी हैंडिंग भी होने लगे, मतलब यार अच्छे से। मैं अभी आता हूँ ना तो भी डरते नहीं यार, पहले क्या करते थे डर के ना उन स्पॉन्ज फिल्टर के साइड में चुप के जाते थे, अभी देखो यार आराम से मेरे पास आते भी है और आराम से फीड भी ले रहे। और इनके लिए हम बहुत जल्द एक टैंक बनाने वाले, टैंक मतलब इनको टैंक में हम शिफ्ट करने वाले, तो देखो यार। तो मैंने हमारे बेबी गप्पी फिश को भी मॉर्निंग वाला डाइट दे दिया है, जो कि ड्राई डाफनिया है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है यार। थोड़े से ना इनएक्टिव से हो गए, देखो यार जिस कोने में बैठ जाते इस कोने में बैठ जाते, क्या पता यार इनको क्या हुआ होगा। ये देखो ये बाकी के यहाँ पे ना सारे के सारे एक्टिव है। और दोस्तों मॉर्निंग में हमारा जो बॉब यार इतना ज्यादा खुश होता है, देखो 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 बॉब, हे बॉब चल इधर, चल 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 हेले, चल चल तेरा खाना ले, चल चल आ जा इधर। ये देखो हमारा बॉब बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है, बॉब 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 इधर आ, चल 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 इधर इधर। और दोस्तों पहला वाला जो बॉब था ना यार, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मतलब मैं इसे उंगली भी डालता हूँ ना तो भाई ये अटैक करता था यार पहला वाला बॉब। ये वाला बॉब जो नहीं शांत है, मतलब शांत है यार ये,
और सबसे ज़्यादा एक्टिव मतलब हमारे जो गोल्डी गैंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है मॉर्निंग में। ये देखो, हे गोल्डीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। ये देखो, ये सबसे, ये जब भी आओ ना यार तब भी एक्टिव रहती है यार ये। ये देखो, और ये हमारी, ये कहाँ भी, हाँ ये वाले, ये थोड़ी ना ब्लाइंड है यार, इसको एक आँख नहीं, ये देख सकते हो, इसको मैं जब से लाया था ना उसे तब से आँख नहीं थी। ये देखो ये देखो ये देखो, हे गोल्डीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो इतने एक्टिव रहते ना यार ये गोल्डीज। और दोस्तों हमारा जो सिल्वर है ना यार, एक ही कोने में बैठा रहता है यार, इसको क्या हुआ क्या पता। ये देखो मैं ऐसे से हाथ लगाता हूँ ना, इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं, पता नहीं यार मुझे इतना क्यों डरता है। चलो कोई नहीं यार, इसे थोड़े और दिन चाहिए इसे अच्छे हमारे यहाँ पे सूट होने के लिए। बट यार इसे लाइव फीडिंग ही चल रही है। बहुत सारे भाई पूछते हैं मुझे कि आप हम आपके सिल्वर को क्या खिलाते हैं। और दोस्तों मैं हमारे सिल्वर को देता हूँ लाइव फीडिंग, जैसे कि छोटे फिश वगैरह कुछ उसके लिए, उसका जो फूड है वो भी अभी खाने लगा है धीरे धीरे। और दोस्तों मैंने हमारे सेटअप में ये वाली फिश फिर से ऐड कर दी है, ये है सेनेगल फिश, आपको पता ही है। ये जो फिश थी ना यार मैंने मेरे दोस्त के पास दी थी, क्यों दी थी यार, हमारे पास बिल्कुल भी रखने के लिए जगह नहीं थी, और ये मैंने फिर से मेरे दोस्त के पास से लेके आयो। और इसका सेटअप हम बहुत जल्द बनाने वाले है, मैंने इसका अपडेट नहीं दिया था यार क्योंकि मैं भूल गया था यार मैंने ये ऐड किए वगैरह, तो ये बहुत जल्द हम इसका सेटअप ऐड करने वाले हैं। और ये थोड़ी बड़ी भी हो गई, पहले मैंने इतने से बच्चे लाए थे, अभी देखो कितनी बड़ी हुई, इतनी बड़ी बड़ी हो गई यार ये। और हमारा जो बेबी फ्लोरन है वो भी बड़ा एक्टिव रहता है। चल चल इधर आ, अभी बेबी नहीं रहा, बड़ा हो गया, किधर किसे काटने आता है वो। भाई 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 भाई, ये देखो चलो इसको भी अभी फीड कर देते। चल आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, गुड बॉय। चल बॉब आ जा, बॉब ये ले, चल 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 चल, ओए 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 ओए। और दोस्तों हमारे चारों शार्क में से ये वाले जो शार्क है ना, ये यार मुझे अच्छे से पहचानती है, बट एक दो तीन ये मुझे बहुत ज़्यादा डरती है। देखो अभी मैंने फीडिंग डाला ना, ये लगे तुरंत से आ गई, बट ये तीनों ना यार मुझे बिल्कुल भी पहचानती है और बहुत ज़्यादा मुझसे डरती है यार ये। ये देखो अभी ये आराम से अभी फीड भी लेगी, चल 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 चल, आजा आजा आजा। ये देखो भाई ये आराम से खाते भी है, बट ये तीनों बहुत ज़्यादा डरती है। तो यार बारिश स्टार्ट हो गई है क्योंकि अभी रात हो चुकी है, हर रोज की तरह हमारे यहाँ पे रात को बारिश ही रहता है। तो चलो यार अभी मैं आपको रात का सीन हमारे बजिस का दिखा देता हूँ, क्या करते हैं यार रात में। तो चलो यार अभी मैं खोल रहा हूँ, इनको मैं देख लेता हूँ क्या कर रहे क्या नहीं। होय होय होय, ठीक है यार। और इन्होंने ये जो डंडी वाइस का देखो क्या हाल कर दिया, ये पूरा को पूरा इन्होंने छील दिया यार। ये वाली भी लकड़ी ना दोस्तों, ये वाली लकड़ी ऐसे ही खा जाते थे पहले मेरे जो पहले लवर्स थे वो, सॉरी बजीज। तो देखो यार ये वाली, इसका भी यही हाल कर दिया इन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो यार, इनको अभी ये सोए हैं, ये वाले भी अच्छे से सोए हैं, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाले भी सोए हैं, इनको भी कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों यहाँ पे हमारे जो टर्टल्स थे यहाँ पे हमने रखे थे, तो मैंने यहाँ से उनको उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि यार अभी बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है बाहर, अंदर रख दिया। और चलो यार यहाँ पे ये आराम से रहेंगे, और यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारे फिश भी इनके साथ, और थोड़ी बहुत गर्माहट भी आ गए, और हमारे टर्टल्स भी ठंडी से बचे रहेंगे। और दोस्तों हमारी लिली रात को क्या करती है वो भी हम देख लेते। ओबे यार, छिट 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 छिट, लिली यार ये तूने क्या कर दिया यार, देखो यार सारा का सारा कचरा फैला दिया यार, क्या कर दिया यार लिली तूने, देखो यार ये कचड़ा किसका है यार, मतलब कुछ किस चीज़। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो लिली ने क्या किया है, लिली ने किया है कि भाई यहाँ पे हमारी जो रेती है वो भरी हुई थी, तो इसने सारी की सारी फेंक दी यार बाहर। बाहर क्यों फेंकी यार तूने, देखिए इसका बिच्चा कैसे देख रहा है क्यूट वाला, मुझे देख के अंदर चला जाएगा फिर से, ये देखो गया अंदर बड़ा क्यूट है यार वो। और दोस्तों इसने जो अभी रेती इतनी ज़्यादा फैला के रखी लिली, अभी मुझे कल सब सारा का सारा क्लीन करना होगा यार, ऐसा मत किया कर यार। जो असुर फिश के बेबीज है वो सारे के सारे एक्टिव है और ठीक ठाक यार, ये हर टाइम फीडिंग के इसमें रहते यार। ये देखो अभी बुला तो हमें अभी नहीं आएंगे, अभी थोड़ा अभी मैंने लाइट स्टार्ट की ना तो अभी थोड़े डरे हुए हैं। और हमारे जो डम्बो एयर गप्पी फिश के बेबीज है वो भी सारे के सारे ठीक है यार, मैं इनको ना ड्राई डाफनिया और जो ब्लड वर्म होता है वही इनको मैं खिला रहा हूँ। ये देख सकते हो यार इनकी साइज अभी इतनी बड़ी है, तो ये अभी 3 से 4 दिन के हो चुके हैं, और अभी और इधर 10 दिन यहाँ पे हम रखेंगे, 10 दिनों के बाद इनको फिर से हम ऊपर उनके मॉम डैड के पास शिफ्ट कर देंगे। और ऑस्कर फिश के लिए मेरे दिमाग में बहुत अच्छा प्लानिंग चल रहा है। और दोस्तों हमारी लिली को लेकर, ओए
ये देखो मैंने सब प्रोटेक्शन कर दिया हमारे लिली को, क्योंकि ना यार ये प्रोटेक्शन करना ज़रूरी था, नहीं तो इसकी बेबीज यहाँ पे कहीं पे भी घुमाते यार घर वाले और मुझे डांटते। तो यार मेरा प्लानिंग लिली को लेकर ऐसा है कि हमारे लिली के लिए पूरा हम जो सूखी हुई घास होती है ना, सूखी हुई घास हम पूरी यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्यों कर रहे भाई, हम लिली को अभी बाहर नहीं छोड़ सकते, बाहर तो हम छोड़ सकते बट यार पूरा हमें ध्यान रखना होगा। थोड़ी देर के लिए सुबह शाम हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम बाहर छोड़ेंगे बट उसके साथ जो छोटे छोटे बेबीज हैं यार अभी तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। दो हफ्तों तक हम लिली को यहीं पे पूरा उसका नेचुरल हम जो 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 लगता है हम यहाँ पे उनका सारा दे देंगे, मतलब जो सूखी हुई घास वगैरह, जो पत्ते वगैरह, जो प्लांट्स वगैरह। मुझे बहुत सारे भाई भी कह रहे थे कि भाई आप उनको ना हरी घास दो, हरी घास बड़ी शौक से खाते हैं, तो हम हरी घास वगैरह यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यार अभी देख लेते हैं हमारे सारे पिजन्स आ गए हैं। ओ भाई बारिश तो चल रही है यार, थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश चल रही है और हमारे सारे पिजन्स भी आ गए और ध्रुव भाई ने ऑलरेडी आज लॉक वगैरह लगा कर रख दिया। तो यार सारे पिजन्स आ गए सारे के सारे ठीक है और हमारे कॉकटेल यहाँ पे बैठे हैं वो भी ठीक ठाक है और स्नो और ब्लैकी क्या कर रहे हैं, स्नो और ब्लैकी अच्छा ये भी ठीक ठाक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्की हल्की अभी हमारे यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। तो चलो यार मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।